हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ करण सिंह एंड यू आर वाचिंग आई एप चॉइस। सो आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, बात एयरफोर्स एक्सो ग्रुप रिजल्ट की। तो काफ़ी लोग परेशान हैं रिजल्ट के चक्कर में और वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मैं उन भाइयों के लिए थोड़ा सा जो है भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि रिजल्ट तो आएगा ही, आप उसका टेंशन न लें। आप जो है सेकेंड फेज का प्रिपरेशन करें। और काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो भाई आपको बता देना चाहता हूँ, जो रिजल्ट वो डेफिनेटली आएगा ही, उसकी आप टेंशन ना लें। लेकिन अब मैं आपको 100% बताऊँगा जो रिजल्ट के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, तो जो आपका सेकंड फेज का एडमिट कार्ड आएगा, और इस बार जो सेकंड फेज होना है वो अगले मंथ में होना है, आई मीन फर्स्ट नवंबर से होना है, या फर्स्ट नवंबर के बाद ही होना है, ठीक है ना। फर्स्ट नवंबर के बाद ही होना है। और जो आपका जो सेकंड फेज होता है, इसका जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो इसके होने से 15 से 12 डेज पहले ही आता है। तो आप इससे अपना आइडिया लगा सकते हैं आपका जो रिजल्ट आने वाला है। यदि आपका जो ये तो 100% क्लियर है कि जो दिवाली के बाद 27 की दिवाली है, इसके बाद जो हमारा जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा वो अगले मंथ से होने वाला है हमारा सेकंड फेज स्टार्ट। तो अगले मंथ से होने के लिए हमें जो है, हम जो अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करेंगे वो मान लीजिए यदि आपका 2 या 3 को होता है, एक को भी स्टार्ट होता है, वो तो 100% होएगा, ये अगले मंथ में स्टार्ट होगा। तो इसका जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 12 या 15 डेज पहले आता है। यदि मान लीजिए आपका 12 डेज पहले आता है, तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो लगभग रिजल्ट आएगा आपको 18 को रिजल्ट आएगा, अगर 12 डेज पहले होता है तो। यदि आपका जो रिजल्ट है वो 15 डेज पहले आता है, आपका जो एडमिट कार्ड है, देख काफ़ी लोगों का जो है रिजल्ट आने के 1 मंथ बाद तक भी होता है, ठीक है ना, 1 मंथ बाद तक भी। यदि आपका रिजल्ट आता 15 को, तो आपका जो 15 नवंबर तक भी हो सकता है सेकंड फेज, जरूरी नहीं कि आपके, काफ़ी जिसमें टाइम लगता है, लगभग 1.5 महीने तक चलते हैं सभी के जो है सेकंड फेज। तो जो मिनिमम दिन है वो 15 दिन होते हैं आपका जो, यदि आपका आज रिजल्ट आता है तो आपका कम से कम 15 दिन बाद जो है सेकंड फेज होगा, चाहे आपका कहीं भी हो। और आपको पता ही है कि जो हमारे इंडिया में 17 ASC वहाँ पे आपका होगा किसी एक में, जो आपने सेंटर चुना होगा। तो आप उसके लिए अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करें। रनिंग क्या है ना, पिछली बार लास्ट टाइम वेस्ट बंगाल में मैंने देखा था 15 से भी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हुए थे रनिंग में। और जो वहाँ पे जो एयरमैन थे और जो वहाँ पे विंग कमांडर सर थे, उन्होंने लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया जो पीछे रह गए थे कि आइए आप कर सकते हैं, आप आइए, आपको वर्दी जब ही मिलेगा जब आप रेस कंप्लीट करोगे। और यदि कोई टाइम तो था 6:30 का, लेकिन काफ़ी लोग जो है 15 या 20 सेकंड रिलेटिव है, उन्होंने उनको भी ले लिया, वो इतना सपोर्ट करते हैं। तो आप रनिंग जब ही कर पाओगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो रिजल्ट एक बार फिर से बताना चाहूँगा, देखिए जो आपका रिजल्ट आना है वो, और ये 100% है, जो आपका सेकंड फेज स्टार्ट होगा वो नवंबर में होगा, ठीक है ना, 1 नवंबर है, 2 नवंबर से होने वाला है। और आपका जो सेकंड फेज स्टार्ट होता है 15 डेज बाद होता है आपके एडमिट कार्ड आने के। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 15 को भी आ सकता है और 18 को भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप रिजल्ट पे ध्यान ना दें, और यूट्यूब पे इतने वीडियो रिजल्ट के चक्कर में कि वो हम जैसे स्टूडेंटों को पागल बनाते रहते हैं, बस अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, बस और कुछ नहीं। वो रेलवे के प्रिपरेशन कराते हैं, कोई किसकी कराता है, कोई किसका चैनल होता है, कॉमेडी का होता है, वो तक रिजल्ट बना, वो रिजल्ट वीडियो बना देते हैं, कुछ नॉलेज होता नहीं उन्हें, बस ऐसे ही अपना चलता है लोगों को चूतिया बनाने के लिए। तो हम जो, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, हमारा चैनल है केवल साइको के लिए, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस टोटल चैनल पर, हमारा जो सेकंड फेज के उसके लिए। क्योंकि जो मैंने जो अपना जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 4 फरवरी 2017 को रेस कोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली आगरा, वहाँ पे दिया था, दिल्ली में दिया था। तो और जब से मैं बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आपको अच्छे से और बताएंगे बाद में। तो ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। तो मुझे आई थिंक, मुझे क्या आपको ही पता होगा, यदि आपने इससे पहले ज्यूरी साइकम फेस किया होगा, तो आपको वहाँ पे जो SRT है काफ़ी सिंपल मिलने वाला है, आपका सिंह टफ मिलने वाला है, 100% कहते हैं। यदि आप इन वीडियो को देखते हो आप 100% क्लियर करोगे SRT।
प्लस जीडी का टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ दिनों में, अभी थोड़ा सा उसका बस पे वर्क चल रहा है। तो जब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन करें और रिजल्ट तो आने ही वाला है, अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन करा जाए और अपने सिलेक्शन को जो है 100% श्योर किया जाए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम साइको के क्वेश्चन और एक जीडी का टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हम जो तीन टॉपिक करा चुके हैं, चौथा टॉपिक लेकर आने वाले हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा। हाँ, यदि मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आपको किसी ऐप के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे क्या है ना, मैं भी तो प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैंने जो एक फ़ोन में एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर रखा है जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, और वहाँ पर 100% लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई वैसा ऐप हो, वैसा नहीं है, काफ़ी अच्छा ऐप है। तो ऐसा नहीं मुझे उस ऐप के पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको पहले 100% क्लियर कर दे रहा हूँ। यदि आपको पता ही होगा वो हेलो नाम से ऐप है, HELLO, इस प्रकार से ऐप है। उससे आप जो है इंग्लिश में बात करते हैं, आप जो विदेश से किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। मैं उससे प्रैक्टिस करता हूँ काफ़ी, यदि आपको पता है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, और मुझे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, अगले वीडियो में आपका थोड़ा सा उसमें दिखा भी दूंगा जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और काफ़ी उससे अच्छा प्रैक्टिस होता है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ पर, जो भी मिलेगा जो 100% काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अच्छे से इंग्लिश में बात करते हैं, वो भी सीखते हैं, आपकी तरह वो भी सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो नहीं, मुझे उसका कोई पैसा नहीं मिलने वाला, मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। नहीं क्या ना, जो आपको पता हो जो ऐड आते हैं उससे लोगों को मिलता है, लेकिन मैं आपको 100% क्लियर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम जो इस पर फिर एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको जो है इस पर 30 GD की वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अभी जो हमारे 3 ही हुए हैं, मुझे ही पता है मैं आपको 30 वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, और 1000 साइको के क्वेश्चन, जिसमें से हमारे जो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 20 वीडियो आ चुके हैं साइको के, इस बार के सीजन की बता रहा हूँ, जो 22 सितंबर को मेरा पेपर था आगरा में, उसके बाद से मैंने 20 वीडियो बना चुका हूँ, और उसमें जो क्वेश्चन है वो लगभग 500 क्वेश्चन हो चुके हैं 20 वीडियो में, 500 क्वेश्चन सॉरी 500 तो नहीं हुए, क्या ना, मैं 20 वीडियो बना चुका हूँ, 20 वीडियो बना चुका हूँ, और एक वीडियो में लगभग मेरा जो एवरेज है वो 15, तो हमारा जो क्वेश्चन हुआ है 13 क्वेश्चन हुआ है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि मैं जो आपको 600 से अधिक क्वेश्चन कराने वाला हूँ साइको के, यदि आप 100 ही करते हो तो भी आप जो SRT क्लियर कर जाओगे, लेकिन आप 600 प्लस करते हो तो आप तो 100% आपका जो कॉन्फिडेंस इतने ऊपर होगा, और 30 वीडियो के 30 जो GD की वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, 30 GD के 30 जो मैं इम्पोर्टेंट GD की वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आप केवल उसको देखिए, 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, उसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि यही टाइम होता है अपने सपनों को पूरा करने का, क्योंकि आपने इससे पहले रिटर्न एग्जाम में मेहनत किया, काफ़ी मेहनत किया, यदि अभी नहीं मेहनत करो तो आप अपना सिलेक्शन नहीं ले पाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।